झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में आयोजित सर्वजन पेंशन योजना सह जन जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जहां एक ओर दुमका को कई योजनाओं की सौगात दी, वहीं लाभुकों को भी योजनाओं से लाभान्वित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने हेतु नियमावली बनाए जाने की भी बात कही। सीएम ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही सरकार का लक्ष्य है। सभी के हाथ में कुछ न कुछ, और यह हमारा प्रयास है कि इस राज्य के और इस राज्य का जो सबसे अंतिम व्यक्ति होता है उस तक हम पहुंचे, वहां तक हमारी आवाजें भी जाए, सरकार की योजनाएं भी जाए। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जो काम करती है वह ठीक प्रकार से धरातल पर उतरे, यह देखना भी हम सभी का काम है ताकि हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। हम लोग यहाँ आने का वजह यह है कि जो सरकार काम करती है और वो काम जमीन पे उतर रहा है कि नहीं, ये भी देखना हम लोगों का काम है। इसी के तहत आज यहाँ पर हम लोग आए हैं कि पदाधिकारी ग्रामीण लोगों के लिए काम करते हैं कि नहीं करते। कागज पर काम करने वाली सरकार नहीं है, ये जमीन पर काम करने वाली सरकार है। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन एक ओर राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाज के कमजोर वर्गों को पेंशन योजना सहित अनेक योजनाओं से लाभान्वित करने की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं।